तो जरूर बताएं। अभी मैं देखता हूं, अब आवाज आ रही है आप लोगों तक? आवाज ओके है? जी हाँ, आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके सूचित करें। और अभी मैं भूमंत्र पेज से लाइव हूं, और आप इस लाइव लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए। दोस्त, आप मुझसे हमारे YouTube चैनल सुपर कुमार पे भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, सुपर कुमार हमारे YouTube चैनल का नाम है। आप YouTube में सर्च करके आप इस YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पे भी आपको हिस्ट्री के सेशंस, करंट अफेयर के सेशन और दरोगा भर्ती संबंधित स्टडी मटेरियल अच्छे खासे संख्या में अब अपलोड किए जाने शुरू होंगे। इस पे मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप मैथ्स के लिए देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए, रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे 9461155375 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्त, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हर प्रकार का असिस्टेंस चाहिए, बुक्स की अवेलेबिलिटी चाहिए या और किसी प्रकार का आपको मदद चाहिए, तो आप व्हाट्सएप करें। जहां तक हमसे संभव होगा आप तक मदद दोस्त पहुंचाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें, इस लाइव से जुड़ें। और आज का जो अपना एजेंडा है, उससे पहले मैं दोस्त आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। आप हमारी बात को, अगर कुछ लोग जुड़ पाए हैं, तो आप ध्यान से सुनना और समझना। बिल्कुल, अब आवाज में कोई इशू है नहीं। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल जी हाँ, शांतनु प्रियदर्शी जी, स्वागत है आपका। सतीश भृगुवंशी, बिल्कुल आपका स्वागत है सर। आप सब इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जैसे ही कुछ ठीक ठाक संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, मैं अपने आज के एजेंडा, जो सेशन का आज एजेंडा है, वो है आपका मुगल काल। दोस्त, तो मुगल काल आज आपको बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से आपको पूरा का पूरा सल्तनत काल मैंने 2 लेक्चर में आपको याद कराया था, उसके बाद अगर कोई भी बुक आप फॉलो करेंगे तो इत्मीनान से, बहुत आराम से आपको सल्तनत काल के सवाल एग्जाम में आने वाले आप कर सकते हो उसी प्रकार से। लेकिन दोस्त, हमारी कुछ बातों को सबसे पहले आप ध्यान से, करबद्ध निवेदन है आपसे कि हमारी उन बातों को आप समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, फिर से उन सभी प्रतिभागियों के लिए जो लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में और एक मिशन के तहत, तो सबसे पहले दोस्तों, भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, जितने हम उम्र, हमसे बड़े, जिस किसी भी प्रकार के लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अपना समाज एक विचित्र प्रकार के तिराहे पर खड़ा है। और वो तिराहा कुछ ऐसा है कि एक तिराहा आपको ले जा रहा है नकारात्मकता, पिछड़ेपन और उपहास की तरफ, जहां हम समाज को एक उपहास के दौर में धकेल रहे हैं, स्वर्णिम इतिहास को धूमिल करते हुए। दूसरा रास्ता आपको ले जा रहा है हिंसात्मक, दंडात्मक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चरित्र चित्रण के साथ साथ, एक ऐसे दिशा की तरफ जहां से समाज कभी भी वापिस अपने पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हम वो समाज रहे हैं जो लोगों को हमेशा दिशा और दशा देता रहा है। और इसका कारण हमारे बंधुवर ये रहा है कि हम हमेशा सुसंस्कृत, संस्कारी और शिक्षित रहे हैं। ज्ञान हमारा शक्ति रहा है और वो शक्ति बाद में हर प्रकार की शक्ति को समाहित करने में सक्षम हुआ है। तो मैं दोस्त आपसे बोलूंगा, इन 2 रास्तों का आप जहां तक हो सके परित्याग करें, और सबसे उचित और उन्नत रास्ता है वो है एजुकेशन का। दोस्त, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति आप बचाएं। और वक्त का तकाजा है कि हर एक बेहतरीन तरीके से कोशिश करके अपने समाज के सभी प्रबुद्ध लोग अपने समाज में शिक्षा का,
संस्कार और संस्कृति का युवाओं में ऐसा संचार करें कि फिर से वो पुराना कौशल के साथ, सबसे पहले कौशल हासिल होगा, आप कुशल बनोगे, सामर्थ्यवान बनोगे, तो फिर पुरानी और अतीत की जो आपकी गौरव गाथा है वो वापिस से लिखा जा सकता है और आप उस गौरव गाथा में वापिस से शामिल हो सकते हो। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एक सशक्त समाज के निर्माण उस दिशा और उस दशा से हो, जिस दिशा और जिस दशा से वास्तव में समाज में कुछ एक बेहतरीन क्रांति लाई जा सकती है। तो आप भी ध्यान रखें, आज का दौर अन्वेषक दौर है, देखिए, और अनुसंधानों का दौर है, विज्ञान का दौर है, शिक्षा का दौर है। तो आज आप शिक्षा के माध्यम से ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, संस्कार के माध्यम से ऊंचाइयों पर बने रह सकते हैं और संस्कृति के माध्यम से अनवरत ऊंचाइयों पर छूते रहेंगे। तो आप सबसे करवत यही निवेदन है कि जहां तक हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का ये दौर समाज में पुनः प्रतिस्थापित करें, और यही वो चीज है, यही वो हथियार है जो हम लोगों को मजबूती प्रदान करेगी। चंद आंदोलनों से, चंद कुछ इस प्रकार के चीजों से ठीक है, शुरुआती तौर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेहतरीन समाज का निर्माण एक मजबूत आधार पे होता है, और वो मजबूत आधार जो तीन चीजें मैं पुरजोर तरीके से आपसे वकालत कर रहा हूं वो है, अभी तक के भारत के विभिन्न कोनों में, मैं बिहार जहानाबाद जिले से बिलोंग करने वाला एक छोटा सा सुदूर गांव से बिलोंग करने वाला इंसान हूं, लेकिन बहुत ही रिच हेरिटेज रहा हुआ है, मैं हर जगह देखता रहा हूं तो अपने समाज का, वो रिच हेरिटेज को वापस लाने का एकमात्र पद्धति रहा हुआ है कि समावेशी तरीके से हम और भी बेहतर और उन्नत तरीके से फिर से वापस शिक्षा को पकड़ें, उस आधार को पकड़ें, समृद्धि का मूल आधार शिक्षा है दोस्त। तो मैं अपने इस वाणी को विराम दे करके मैं आपको लाना चाहता हूं, आज का जो वास्तविक एजेंडा है जिसके लिए हम लोग यहां पे अपीयर हुए हैं, उसको शुरू करने से पहले, और वो एजेंडा एक्चुअली क्या है, यहां तक उम्मीद करता हूं बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, मुगल एम्परर, मुगल वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूं वास्तव में कि सबसे जरूरी चीज, आप अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्त तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप करंट का सेल्फ लेवल पे तैयारी अभी करें। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पीडीएफ और पीडीएफ का लेक्चर अलग अलग माध्यमों से आप तक उपलब्ध करा दूंगा। तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का चिंता का जरूरत नहीं है, ये कंटेंट और ये मैटर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी आपका फोकस स्टैटिक जीके होना चाहिए दोस्त, और स्टैटिक जीके के कड़ी में आपका फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये होना चाहिए। हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी और साइंस का या तो वीडियो लेक्चर या लाइव सेशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, डिजिटल कंटेंट आपको जरूर अवेलेबल करा दिया जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का। बच जाता है ज्योग्राफी, तो वी विल ट्राई सम अदर बेस जिससे ज्योग्राफी भी करा सकूं दोस्त। मैथ, रीजनिंग और बाकी चीजें है नहीं अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में, हमारा फोकस है, हम भूमंत्र के माध्यम से यही चाहते हैं कि दिसंबर में एग्जाम है, उससे पहले नवंबर तक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और एटलीस्ट साइंस सेगमेंट्स आपको करा दिया जाए, फिर करंट का सेशन दे दिया जाए आपको, जिससे कि एग्जाम का अधिकांश सिलेबस आप कवर कर लें और अच्छी संख्या में आपके तरफ से समर्थन मिलता दिखेगा। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट वगैरह का भी अरेंजमेंट करा सकता हूं, इस फाउंडेशन की तरफ से बेहतर सपोर्ट और समर्थन मिला तो मैं ऑफलाइन मोड में भी आपको पटना में अवेलेबल करवा सकता हूं, जहां पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सको, ये भी हमारे तरफ से पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इस माध्यम से आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। ये एक क्रांति है, एक मिसाल है, एक शिक्षा की क्रांति है, ये समाज के प्रति आहुति और योगदान देने की क्रांति है जो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी लोग जुड़ते जाएंगे, आप छात्र जुड़ते जाओ, आप हमारी बातों को कानों से दिल तक प्लीज मेरे भाई उतरने देना, और दिल तक अगर आपकी बात उतरे तो इस बात को 10 और लोगों तक पहुंचाना, 20 और लोगों तक पहुंचाना, आप ही हो, आप ही एजेंट हो, आप ही कारक हो। चलें तो एक बार मैं आप लोगों का चेक कर लेता हूं कि कितने लोग हमारे साथ आ गए, आपके रिस्पांस को, और फिर मैं फटाफट आज के लेशन और मुगल काल की तरफ बढ़ूंगा। जी शांतनु प्रदर्शी जी, बिल्कुल
कुमार सतीश मृगवंशी जी नमस्कार आपका, राजीव राय जी नमस्कार आपका, बहुत बहुत नमस्कार। अपूर्वा कृष्णा नमस्कार, प्रणाम प्रणाम आपको भी हमारे तरफ से। नमस्कार पंडित जी आपको भी, घनश्याम शर्मा। लगातार आप कोशिश करें, लोगों को जोड़ते रहें, खुद भी जुड़े रहें और आपका यह बेहतरीन प्रयास चीजों को और आगे लेके जाएगा। इस लाइव को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। चलिए मैं अब शुरू करता हूं आज का सेशन आपके साथ। मैंने जो बातें अभी आपसे की है वो हम लोग तैयारी के अभी प्रथम कड़ी में हैं और वो प्रथम कड़ी दोस्त हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के प्रथम कड़ी जो आपका है वो सल्तनत काल जो हम लोगों ने पढ़ लिया और उस कड़ी का दूसरा हिस्सा है वो आपका है मुगल काल। तो हम लोग वापिस आते हैं और मुगल काल की बात करते हैं। कुछ स्लाइडों में मैं चीजों को लेके आया था लेकिन कुछ दिनों के बाद शायद मैं आपको स्लाइड से और डिजिटल बोर्ड से आप तक क्लासेस पहुंचा पाऊंगा। तब तक नॉन डिजिटल बोर्ड का आप आनंद लीजिए और मजा लीजिए। तो मुगल वंश कुछ कहानियों में अगर आपको लेके जाऊं तो पिछले सेशन में मेरे दोस्त कहां थे हम लोग, याद करो। तो हम लोग थे यहां और पानीपत की फर्स्ट वार लड़ाई ये हुआ था 1526 में किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का आखिरी शासक जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का वो पहला शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। बहुत बढ़िया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी को का चाचा, खुद का इब्राहिम लोदी का चाचा बाबर को बुलाता है और बाबर को राणा संगा का भी निमंत्रण मिला होता है इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो इस आमंत्रण को स्वीकार करके बाबर पानीपत के युद्ध में आता है, उसे अच्छी संभावनाएं दिखती है और 1526 ईस्वी को पानीपत के लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके और बाबर स्थापना करता है मुगल वंश का। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हो गए, ये लाइन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दोस्त आ जाइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई, दोस्त पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, पानीपत हरियाणा के पास एक जिला है और पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी, जीता कौन, बाबर। इब्राहिम लोदी वह पहला सल्तनत कालीन, ध्यान रखना सल्तनत कालीन किसका, लोदी वंश का पहला शासक है जो रणभूमि में युद्ध के भूमि में मारा जाता है। बाबर वो युद्ध जीतता है। बाबर ने इस युद्ध के अंदर पहली बार किसका इस्तेमाल किया था, तोप का इस्तेमाल। सवाल पूछा जाता है पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल कब हुआ, तो मध्यकालीन युग में और पानीपत की पहली लड़ाई में। उसके बाद आते हैं फटाफट चीजों को ऐसे देखो कि बाबर ने इसमें तोपों का इस्तेमाल किया, छोटा सेना होने के बावजूद इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना हार जाती है और भारत में क्या होता है, तो भारत में आरंभ होता है मुगल काल। मुगल काल के संस्थापक कौन हुए, तो बाबर। बाबर का अगर बात करें आपसे तो बाबर का पूरा, बाबर 12 वर्ष में, जो क्वेश्चन बनना है उतना ही करवाऊंगा आपको, फरगाना के गद्दी पे बैठा, पूरा नाम क्या था उसका, तो जरियुद्दीन मोहम्मद बाबर, यह था उसका नाम, जरियुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक बहुत अच्छी चीज आता है कि बाबर को एक युद्ध का वर्णन आता है शैबनी खान। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी लेवल के कई एग्जाम में, आरएएस लेवल के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शैबनी खान ने सर ए पुल के युद्ध में
तुलगामी पद्धति का इस्तेमाल करके, तुलगामी पद्धति क्या होता है, तो एक युद्ध की पद्धति थी जिसमें आपका तीर कमान का एक अलग प्रकार का व्यवहार करके और युद्ध लड़ा जाता था छुप के बार करते हुए, तो तुलगामी पद्धति के युद्ध का इस्तेमाल करके, युद्ध की तुलगामी पद्धति का इस्तेमाल करके शैबनी खान ने मध्य एशिया से बाबर को खदेड़ दिया था। पूछा जाता है बाबर पहली बार मध्य एशिया से कब कैसे भागा, तो शैबनी खान ने भगाया तुलगामी पद्धति से युद्ध लड़के, और युद्ध का नाम क्या था, सरे पुल का युद्ध। याद हो गया बात आपको, बाबर का पूरा नाम क्या है, तो बाबर का पूरा नाम जरीउद्दीन, बाबर का पूरा नाम जरीउद्दीन मोहम्मद बाबर। कहां का शासक बना वो, 12 वर्ष के अल्प आयु बहुत छोटे से आयु में फरगना का शासक बना, और उसके बाद की कहानी क्या होती है बाबर के साथ। तो बाबर जो भारत पे आक्रमण करता है पहली बार, वो भारत पे आक्रमण उसका रहता है पानीपत के युद्ध। दिख रहा है यहां तक बोर्ड, तो अब देखिएगा सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध, तो पहला पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, ये तीन आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। पानीपत 1526, फिर खानवा आपका उसके नेक्स्ट, और चंदेरी आपका उसके नेक्स्ट, अरे आपका 1528। याद रखने का तरीका, पानी खाना और चारा, कैसे याद रखोगे, पानी खाना और चारा, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर लड़ा है लेकिन अपोनेंट कौन, इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध में अपोनेंट कौन रहे, तो खानवा के युद्ध के अपोनेंट रहे राणा सांगा, और चंदेरी के युद्ध के अपोनेंट मेदनी राय। ये याद रखिएगा बाबर से संबंधित, पानी खाना चारा 26, 27, 28, पानी खाना चारा, पानीपत खानवा और चंदेरी का युद्ध, ये तीन महत्वपूर्ण युद्ध है जो बाबर के रजाइम में आपके लड़े गए। फिर आपका आता है कि बहुत ही अल्प आयु में 1526 में आपका स्थापना किया मुगल वंश का, और 1530 ईस्वी में बाबर का हो जाता है मौत। बाबर का मौत होता है तो बाबर को दफनाया कहां गया, आगरा। बट बाबर का मकबरा कहां है, तो काबुल में। बाद में काबुल ले जाया गया उसके हड्डियों को, और वहां काबुल में बाबर का मकबरा बनाया गया, क्योंकि बाबर का इच्छा था कि उसको काबुल में दफनाया जाए। बाबर वह पहला मुगल बादशाह है जिसने खुद लिखी थी अपनी जीवनी, उसका जीवनी क्या था, बाबर नामा। किस नाम से लिखा गया था, तुजुके बाबरी, तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा अर्थात तुजुके बाबरी का लेखक कौन, तो लेखक आपका खुद बाबर। किस भाषा में लिखा गया, तो तुर्की में। बाद में इस बाबरनामा का अनुवाद किसने किया, है ना, तो फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना। पूछा जाता है किस भाषा में, फारसी में। बाबरनामा का लेखक कौन, बाबर। किस भाषा में, तुर्की। फारसी में किसने अनुवाद किया, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनका चर्चा कहां पे आएगा दोस्त, तो इनका चर्चा आएगा आपको किस सेगमेंट के अंदर आएगा, तो अकबर के रजाइम में आएगा, ये अकबर के टाइम में अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, खुद अकबर ने करवाया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबर नामा किसने लिखा था, खुद बाबर ने लिखा था। और अगर बाबर की बात हो तो एक दो बात आपको और कर दूं, बाबर जो है ना, वो वास्तव में
जिहाद का उद्देश्य का वर्णन नहीं किया था, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में उसने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और वहीं पे खुद को गाजी घोषित किया। दोस्त ये सब यूपीएससी आरएएस आरपीएससी बीपीएससी लेवल का सवाल हो जाता है। गाजी का घोषणा कब किया वो खुद को? खानवा के युद्ध में। जिहाद शब्द का पहली बार बाबर ने इस्तेमाल कहां किया? खानवा के युद्ध में। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। आई थिंक काफिर आप समझते होंगे, ये ऐसा काफिरों का यहां से तात्पर्य है, नॉन इस्लामिक जो इस्लाम को ना मानने वालों को यहां काफिर का संज्ञा दिया गया है। तो नॉन इसने खुद को यहां पे पहली बार जिहाद इस्लाम और काफिरों के साथ कनेक्ट करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है ना, गाजी खुद को घोषित किया था है ना बाबर। और ये तीन युद्ध का कालानुक्रम आप याद रखिएगा। और दफनाया कहां गया? आगरा। मकबरा कहां बनाया गया? काबुल। और बाबरनामा 1526 से 1530, 1526 में पानीपत की लड़ाई में हुआ बाबर का एंट्री। बाबर का चर्चा हो और आपका बाबरी मस्जिद का अगर बात नहीं हो, कौन सी बाबरी मस्जिद के बात कर रहा हूं दोस्त? अयोध्या की बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद की बात हो और जय श्री राम का उद्घोष नहीं हो तो मजा नहीं आता है। लेकिन अपन जीके के क्लास में है तो बस इतना सा बात करूंगा कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? आप बोलोगे बाबर ने, ये नहीं पूछा जाता है, मीर बांकी ने। बाबर के उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत जौनपुर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहां? अयोध्या में। राम जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसका साक्ष्य एग्जैक्टली क्या है नहीं है वो तो नहीं, लेकिन इतिहासकारों ने ये लिखा है जरूर, ऐतिहासिक तथ्य है इसका, किताबी साहित्यिक तथ्य स्पष्ट है कि आपका मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और भारत भूमि में हर एक कण में राम राम का वास होता है, जैसे राम का उद्घोष भी होता है, वो एक अलग विषय वस्तु है, कई दफा इसका बेजा इस्तेमाल भी होता है, कोई बात नहीं है। बाबर के बाद चर्चा करेंगे। बाबर कब? 1526 से 1530। बाबर के बीच में क्या इस्तेमाल किया? बाबर फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं। बाबर कहां का शासक बना 12 साल की उम्र में? फरगना का। बाबर का असली नाम क्या था? तो जरियुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को शैबनी खान ने सरे पुल के युद्ध में हराया था। ये शैबनी खान क्या था? तो शैबनी खान आपका उस समय मध्य एशिया के अंदर ही वहीं पे एक छोटा सा सम्राट का राजा था जिसने बाबर को हरा के भगा दिया था वहां से। बाबर ने एक्चुअली कौन सी युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया भारत में? तो तोपखाना का इस्तेमाल किया और ओटोमन युद्ध पद्धति, ध्यान रखना ये आपको रह गया था, ओटोमन युद्ध पद्धति का इस्तेमाल बाबर ने किया था। बाबर ने भारत के खिलाफ अभियान में पहला युद्ध कौन सा लड़ा? तो खाना यानी खानमा का युद्ध, सॉरी पानी यानी पानीपत का युद्ध, खाना खानमा का युद्ध और चारा चंदेरी का युद्ध। पानीपत 1526, 1527 और 1528। बाबर के समकक्ष सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद साहब जी, जिन्होंने सिख संप्रदाय का स्थापना किया। और आपसे यह पूछा जाता है बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? मीर बांकी ने। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तव में बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने तुर्की में। और बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण किसने कराया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब आ जाइए हुमायूं। बाबर के चार बेटे कौन कौन? तो कमरान, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, यहां लिखता हूं, कमरान, अश्करी ये, और एक खुद हुमायूं और एक आपका यहां पे हिंदाल और एक हुमायूं, ये बाबर के चार बेटे। बाबर ने अपना साम्राज्य चारों बेटों में बांट दिया, बट जो खास करके दिल्ली लाहौर और भारत का अधिकांश हिस्सा जो रहा वो हुमायूं के हिस्से में आया। तो हम बाबर के चारों बेटे कौन कौन है? कमरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं। कभी कभी पूछ लिया जाता है उसमें हम चर्चा किसका करेंगे? हुमायूं का। हुमायूं का रिजाइन क्या? तो 1530 से 1540,
फिर हुमायूं अपदस्थ हो जाता है और एक सिरा 1555 ईस्वी में वापिस आता है। तो अब समझिएगा हुमायूं में क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि हुमायूं के युद्ध कौन कौन से हैं। तो हुमायूं के युद्ध हैं चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। मैं ट्रिक भी बता दूंगा युद्ध को याद रखने का, चौसा, बिलग्राम, हिंद और एक आपका रहता है देवरा, ये याद रख लीजिएगा। और यहां याद रखिएगा डेट, शासन काल संभालते ही देवरा, उसके बाद आपका चौसा, बिलग्राम और मैं आपको रटा दूंगा अभी बहुत आराम से। देखिए शासन संभालते ही उसका लफड़ा हुआ देवरा यानी देवता से, भगवान नाराज हुए हुमायूं पे, देवरा का युद्ध। ये देवरा कहां था तो उस समय अफगानिस्तान के आसपास का कोई जगह था जहां में किसी सूबेदार से इसकी प्रॉब्लम के वजह से स्वतंत्र राज का घोषणा के वजह से युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह 39-40 में हुमायूं अपदस्त कर दिया जाता है, हुमायूं को भगा दिया जाता है और हुमायूं भाग जाता है यहां से और वापिस आता है सरहिंद के युद्ध में। तो सरहिंद के युद्ध में वापिस आता है और सरहिंद का युद्ध यानी कि उस समय पंजाब के एक शासक थे उनको सरहिंद के युद्ध में हराता है और इस प्रकार से आपका 3 युद्ध। याद रखने का तरीका देवरा देव 24, कितने 24, कैसे चौसा, बिलग्राम, सरहिंद और देव, देव मतलब देवता और कितने 24, 24 देवता ही हैं इस युद्ध में। तो 24 मतलब चौ से चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम का युद्ध और स से सरहिंद का युद्ध। ये रहा दोस्त 1555 सरहिंद का युद्ध से हुमायूं वापिस आता है, 39 और 40 चौसा और बिलग्राम से हुमायूं अपदस्त होता है और देवरा का युद्ध आपका है यहां पे 1531 जो उसका स्टार्टिंग का युद्ध है। ठीक है, अब यहां पे आपको आता है कि यहां पे किससे लड़ा था युद्ध। तो सिकंदर नाम का एक पंजाब का शासक था और वर्सेस हुमायूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सरहिंद के युद्ध, बिलग्राम के युद्ध हुमायूं शेरशाह, बिलग्राम कन्नौज को भी कहते हैं, कई किताबों में ये कन्नौज लिखा रहेगा तो आप कन्नौज से कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने तो ट्रिक बनाने के लिए 24 देव 24 आपको याद हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं और हुमायूं पे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताता हूं। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर के बाद आया हुमायूं, ठीक है, वापिस आता है हुमायूं इस युद्ध में। तो 39 के अंदर और 40 के अंदर चौसा और बिलग्राम के युद्ध के अंदर ये फाइनल डिसाइड हो जाता है कि दिल्ली और आगरा पे शासन किसका हो जाएगा, शेरशाह का। दो बातें हुमायूं में याद रखना कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम कौन, तो एक महिला, कौन महिला, तो हुमायूं की बहन इन्हें गुलबदन बेगम। और इसके बाद यहां से वर्णन आ जाता है हुमायूं नामा की रचना करने का, वर्णन आ जाता है हुमायूं का मकबरा कहां है। तो हुमायूं का मकबरा मेरे दोस्त दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं कितने भाई, 4 भाई, कमरान, असरकी, हिंदाल और आपका ये। इस तरीके से आपको हुमायूं पे ज्यादा सवाल दोस्त बनता भी नहीं है, सवाल ज्यादा बनता है वास्तव में शेरशाह पे। तो हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं पे कुछ दो चीज और याद रखना कि हुमायूं का मृत्यु किस तरीके से हुआ था। हुमायूं का मृत्यु हुआ सीढ़ी से गिर के, सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं जो है ज्योतिषी में विश्वास रखता था और प्रतिदिन
अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग का कपड़ा। यह पूछा जाता है कि कौन सा मुगल एम्परर ज्योतिषी में विश्वास रखता था, तो हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं का मौत सीढ़ियों से गिरकर हुआ था, इसलिए बदायूं लिखता है कि एक सम्राट, मुगल सम्राट, जिसका निर्माण भी गिरते पड़ते हुआ और इसका अंत भी गिरके ही हुआ, सीढ़ियों से गिरके लड़खड़ाते हुए। तो ये हुमायूं से बनने वाले कुछ क्वेश्चन है जो आप रिमेंबर कर सकते हो। बट शेरशाह मेरे दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम आ जाते हैं इसके बाद शेरशाह पे। तो शेरशाह का अगर हम अध्ययन करें, स्टडी करें, तो कुछ बहुमूल्य फैक्ट जो है, शेरशाह किस सम्राट से थे? शूर साम्राज्य। शेरशाह किस सम्राट से है? शूर साम्राज्य। वास्तविक नाम फरीद खान। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान। जौनपुर के अंदर सासाराम, आप जानते होंगे आप सब, सासाराम रोहतास बिहार का नवाब शेरशाह, ठीक है। अब यहां पे आता है, सूबेदार था वास्तव में, नवाब शब्द हम नहीं लिख सकते, जौनपुर में नवाबी थी, यहां सूबेदार है ना, सासाराम का सूबेदार, करेक्ट। अब यहां पे बात करेंगे शेरशाह का, तो शेरशाह हुमायूं के खिलाफ युद्ध लड़ता है, और सबसे पहला युद्ध कौन लड़ता है? तो आपका चौसा का, द्वारा रिवाइज हो रहा है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध निर्णायक होता है और हुमायूं भाग जाता है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्त? तो यह लड़ा गया 1539, ये 1540। हुमायूं भाग जाता है और यहां पे दिल्ली में शेरशाह का शासन स्थापित हो जाता है। अब शेरशाह के शासन स्थापित होने के बाद कई चीजें होती हैं, है ना, उसमें देखिएगा। शेरशाह के शासन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि शेरशाह की उपलब्धियां और कार्य क्या रहते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य याद रखिएगा, वो जीटी रोड, बचपन से सबको पता है शेरशाह का कार्य। देखिए, सल्तनत के समाप्ति के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? शेरशाह। इल्तुतमिश ने क्या? चांदी का सिक्का। शेरशाह ने क्या चलाया? स्वर्ण सिक्का। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? आप दिल्ली गए होंगे तो जानते होंगे, शेरशाह। यह आपसे पूछा जाता है। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया? शेरशाह। मैं सब सारा काम लिख रहा हूं शेरशाह का। और पट्टा, जमीन का पट्टा प्रथा किसने चलाया? तो शेरशाह ने चलाया दोस्त। ध्यान रखना, सल्तनत काल के समाप्ति के बाद स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शेरशाह, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह, भारत में अस्थाई डाक प्रथा का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह। तो इस वजह से शेरशाह को जाना जाता है। शेरशाह का मौत कालिंजर विजय के दरमियान होता है, जबकि कालिंजर को जीत लिया गया था, लेकिन दुर्घटना बस मौत हो जाता है। वो घटना क्या है कि कालिंजर के किले पर विजय स्थापित करने के बाद जब शेरशाह के सैनिक गोले वोले उड़ा रहे थे, तोपखाने चला रहे थे, तो एक गोला आ करके उस किले के अंदर चला जाता है जहां शेरशाह बैठा था, और उस दरमियान क्या होता है, उस दुर्घटना में शेरशाह थोड़ा जख्मी हो जाता है, जल जाता है, जिसके बाद शेरशाह का हो जाता है मौत। तो कालिंजर विजय के दरमियान शेरशाह का मौत हो जाता है। शेरशाह का मौत होता है कितने में? तो 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में शेरशाह का हो जाता है मौत। शेरशाह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फटाफट रिकॉल कर लीजिएगा। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान। शेरशाह नाम कब पड़ा? तो उसने तलवार की एक धार से एक शेर को मारा, जिस वजह से बाद में उसे शेरशाह का नाम दिया गया। जौनपुर के अंदर सासाराम बिहार का आपका एक सूबेदार है,
तो उस वजह से नाम दिया ये सॉरी सासाराम। और आपका चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 39-40 याद रखिएगा, शेरशाह के द्वारा किए गए कार्य में जीटी रोड, सल्तनत काल में स्वर्ण मुद्रा पूछा जाए तो शेरशाह, चांदी का मुद्रा पूछा जाए तो आप इल्तुतमिश बोलिएगा, दिल्ली पुराना किला का निर्माण, पट्टा प्रथा, डाक प्रथा, पाटलिपुत्र से पटना राजधानी स्थानांतरित, 1545 में मौत, और मकबरा कहां बनाया तो सासाराम में, सासाराम बिहार में मकबरा है किसका, शेरशाह का। ये हिंदी ईरानी, हिंदी प्लस ईरानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तो आपसे पूछा जाए कि शेरशाह का मकबरा कहां है, तो शेरशाह का मकबरा है दोस्त आपका सासाराम बिहार के अंदर। तो यहां पे शेरशाह का डिस्कशन खत्म हो जाता है। कुछ चीजें आप शेरशाह के टर्म्स का याद रख सकते हो, मुद्रा का सिस्टम 1:64 चला करता था, कई कई एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन चलो इतना डिटेल्स में भी आपको जाने का जरूरत नहीं है। आप एक रेफरेंस के तौर पे मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आप जरूर कोई एक मिनिमम लेवल पे भी अगर करो तो कम से कम लुसेंट जरूर पढ़ते रहना। ये चीजें मैं आपके एक बेहतरीन इंटरेस्ट के लिए क्रिएट कर रहा हूं कि आपको बुक पढ़ने का साहस मिले, सामर्थ्य मिले। और जो बच्चे हमारे ट्यूशन के एक्सेस तक नहीं आ पा रहे हैं, हमारे समाज के वो सभी बच्चे, उनको भी पढ़ाई से जोड़ा जाए, और ऐसे लोग अगर जुड़ के और कुछ बन पाए तो संभवतः ये भूमंत्र फाउंडेशन या मैं और हम सब अपने लक्ष्य में कुछ हद तक सफल महसूस करेंगे। तो ये सफलता की बागडोर मेरे दोस्त आपके हाथों में। हुमायूं, आपने बाबर देखा, हुमायूं, तो यहां पे कंसेप्ट देखिएगा, जैसे 1555 ईस्वी में वापस आता है तो सूर वंश का संस्थापक का यही एक राजा रहता है। सूर वंश का राजा कौन होता है, नाम क्या बताया था अभी, सिकंदर। उसी सिकंदर से युद्ध क्या होता है, किसका होता है, सरहिंद का युद्ध होता है, सिकंदर वर्सेस हुमायूं, सिकंदर वर्सेस हुमायूं का युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है, सरहिंद का युद्ध। तो यह ध्यान रहेगा आपका 1555 ईस्वी में, और 1549 और 40 में हुमायूं को भगाया जाता है। बट हुमायूं के बाद आज का जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दोस्त होगा अकबर। और अकबर सबसे महत्वपूर्ण है। जब हुमायूं भारत से भागा था, जब हुमायूं भारत से भागा था उस समय एक्चुअली ईस्वी क्या हो रहा था, 1540। एक्चुअली हुमायूं जो है वास्तव में 1542 ईस्वी में भटकते हुए, एक भटकता हुआ हारा हुआ सुल्तान आपका हुमायूं हमीदा बेगम से विवाह करता है। पूरा कहानी समझिएगा, हमीदा बेगम से विवाह करता है। ₹1540 में हुमायूं को भागने के बाद 1542 में हमीदा बेगम से विवाह करता है। 1540 में हुमायूं भागा, उसके 2 साल बाद भटकता हुआ हुमायूं, भागने के तुरंत बाद नहीं दोस्त। अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं यहाँ क्लासरूम में, उन्होंने बोला कि शायद 1540 नहीं 1542। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वास्तव में क्या होता है कि हमीदा बेगम से ही एक संतान, जो कहां शरण लेते हैं हमीदा बेगम, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि हमीदा बेगम को शरण देने वाले राणा बीरसाल, अमरकोट के राणा थे। क्या नाम था, राणा बीरसाल के महल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम रहती हैं, और वही जन्म होता है किसका, अकबर द ग्रेट का। अकबर का जन्म होता है 1542। और यहां से क्या आते हैं, वास्तव में देखो यहां से जो चीजें निकल के आता है कि 14 वर्ष के उम्र में अकबर को राज्याभिषेक किया जाता है।
यानी अकबर का राज्याभिषेक यानी राजरोहण गद्दी आरोहण कब होता है? तो 14 वर्ष के उम्र में। किस नाम से होता है? बचपन का नाम क्या था अकबर का? जलाल। तो वो नाम क्या रखता है अपना? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी, क्योंकि उसके सारे गाजी कहने लगे थे। खानवा के युद्ध के बाद सारे खुद को मुगल बादशाह गाजी कहने लगे थे। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी के नाम से वो राज्याभिषेक कराता है। आपका राज्याभिषेक कहां होता है अकबर का? देखिए, तो अकबर का जन्म अमरकोट में और राज्याभिषेक आपका पूछा जाता है, अभी कुछ दिन पहले SSC के एग्जाम में पूछा गया था, कलनौर में। कब होता है राज्याभिषेक? 1556। अब एक्चुअली क्या होता है, राज्याभिषेक के समय अकबर का उम्र 14 वर्ष, अल्प आयु में अकबर 14 वर्ष के अल्प आयु में अकबर राजा बन जाता है मुगल सम्राट का। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय तक उसके पिताजी 1555 ईस्वी में वापस आके सरहिंद के युद्ध में सूरवंश के शासक सिकंदर को पराजित कर चुके थे। चीजों को कनेक्ट करो। तो फिर 1556 ईस्वी में, लेकिन जब अकबर राजा बनता है तो उसे कोई मजबूत मुगल साम्राज्य नहीं मिलता है। उसे क्या मिलता है? एक कमजोर टूटा फूटा लड़खड़ाता हुआ मुगल साम्राज्य। और उसके पिताजी हुमायूं उसके लिए एक बहुत ही कमजोर मुगल साम्राज्य छोड़ के जाते हैं। इस बीच आपको पता होना चाहिए कि जब 14 वर्ष के उम्र में कलानौर जगह में राज्याभिषेक अकबर का कर दिया जाता है, मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है उसको, तो उसके बदले उसका संरक्षक बैरम खान दोस्त कौन? तो बैरम खान एक शिया मुस्लिम, शिया मत वाला, शिया मतावलंबी मुस्लिम। बैरम का उसका संरक्षक बनता है, उसका विधि देता बनता है, उसका सलाहकार बनता है, जिसको कि बाद में अकबर ने नाम दिया था खाने खाना। खाने खाना की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? बैरम खान। 1556 में अकबर सम्राट बनता है। और आपको ज्ञात हो कि 1556 में सम्राट बनते ही एक युद्ध होता है जिसे नाम दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। याद रखिएगा, 1556 अकबर और हेमू किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, आपको यहां से ध्यान रखिएगा दोस्त कि हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर का जो युद्ध जिसके साथ हुआ उस समय दिल्ली पे थे, और संभवतः ये आखिरी हिंदू शासक रहे दिल्ली पर। और इस युद्ध में अकबर का विजय होता है और पूर्णतः द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से मुगल सम्राट का सत्ता आपका दिल्ली पे मजबूत हो जाता है। बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर इस युद्ध में युद्ध भूमि में नहीं गया था, पूर्णतः इस युद्ध का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। अब यहां पे आपको देखा जाना चाहिए कि बैरम खां का मृत्यु हो जाता है कब? जब बैरम खां आपका हज से लौट रहा होता है तो कुछ पठान उसका हत्या कर देते हैं। बैरम खां के मृत्यु तक अकबर का उम्र हो जाता है 18 वर्ष। और जबकि 18 वर्ष उम्र कोई उस समय कंपलसरी नहीं था, फिर भी उसके बाद अकबर वहां से मुख्य रूप से स्वयं सत्ता संचालन में भागीदारी करने लग जाता है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आप देखेंगे तो उसमें ये आपका आता है यहां पे निकल करके। तो सबसे पहले आपको बताओ तो 1562 ईस्वी का एक घटनाक्रम है ना, वो आमेर एक जगह है राजस्थान में, वहां का राजा भारमल, बिहारी मल भी बोला जाता है। सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासक थे ये, कछवाहा राजपूत थे। वो अकबर का अधीनता सबसे पहले स्वीकारा था और अपनी बड़ी पुत्री
ज्येष्ठ पुत्री जिनको जोधा बाई के नाम से पुकारो रूप में जाना गया, उनसे अकबर का शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और अकबर उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जा रहा था। तो यह भी सवाल बनता है कि अकबर ज्यादातर किसके दरबार में जाया करता था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार दोस्त कहां है, तो अजमेर, जो अजमेर शरीफ है ना, सॉरी, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार में है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से वापस आकर के जोधा बाई से शादी करता है। शादी का प्रस्ताव भारमल ने रखा था, और सबसे पहले अकबर का अधीनता स्वीकारने वाला, सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, और अकबर का राजपूतों से पहला वैवाहिक संबंध स्थापित करने का साक्ष्य है। नाम बिहारी मल का आता है और जोधा बाई का आता है। 1562 ईस्वी का है आपका घटनाक्रम है। इसके बाद एक और 1564 ईस्वी का घटनाक्रम है, वो रानी दुर्गावती का चर्चा आता है। थोड़ा सा अलग एंगल से चीजें आपको बता रहा हूं। ये रानी दुर्गावती कहां? वर्तमान में जबलपुर गोंडावन की रानी थी, जिन्होंने अकबर के सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भले ही वो हारी थी और अकबर का कब्जा हो गया था उत्तरी मध्य दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे, लेकिन यहां 1564 ईस्वी में मंडाला जबलपुर गोंडाना का चर्चा आपका आता है। फिर ठीक है, इसके बाद फटाफट में अगर आपसे बात करूं अकबर के से जुड़ा हुआ प्रश्न के लिए, तो ये दो घटना आप याद रख लोगे यहां से। उसके बाद सीधा आते हैं कि अकबर का नवरत्न वगैरह और वो सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से मैं अकबर का आपको डिकोड करवा देता हूं। उसके बाद आता है अकबर का एक मेवाड़ का चर्चा आएगा यहां पे, कि मेवाड़ के शासक महाराजा राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप जी ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, और अकबर इससे व्यथित होके और उनके खिलाफ युद्ध के लिए तकरीबन चर्चा आता है 2 साल तक ट्राई किया, कोशिश किया, रेकी किया, किले का सब कुछ समझा, जाना पहचाना। उसके बाद 1576 ईस्वी में किले की घेराबंदी करवा दिया जाता है। फिर राणा प्रताप भी अपना सेना लेके आते हैं और हल्दी घाटी में युद्ध होता है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध जाना गया। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध या महाराणा प्रताप या अकबर, इनको किसी भी तरीके से ना आप ऐसे समझने का जरूरत नहीं है। इस्लाम वर्सेस हिंदू एक चीज चर्चा में आ गया, शायद यहां लेना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं ले रहा हूं। ये इस तरीके से देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जीके के फैक्ट्स में भी आप चीज को समझिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का सेना का और अकबर का सेना बड़ा ही विसंगति है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जितने लोग भी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहते हैं, इस बात को जरूर समझिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा कि राणा का सेना का, राणा प्रताप के सेना का संचालन किसने किया था? आशफ खान। और अकबर का सेना का संचालन किसने किया था? मान सिंह। दोस्त, कितना कठोर विसंगति नहीं है क्या? मान सिंह राजपूत, लेकिन वो अकबर के सेना का संचालन कर रहा था। राणा प्रताप, आशफ खान, इनके सेना का संचालन। वास्तव में अकबर तो युद्ध में गया भी नहीं था, पूरा युद्ध मान सिंह ने संभाला। और यहां राणा प्रताप युद्ध में काफी बाद में आए थे, पूरा संचालन आशफ खान कर रहा था। यहां तक कि आपका राणा प्रताप के युद्ध में आपका एक हाकिम खान नाम का अफगान और था राणा प्रताप के तरफ से, जो सबसे अग्रिम दस्ता का नेतृत्व कर रहा था। और मानसिंह के साथ एक बड़ा संख्या में 5,000 राजपूत सैनिकों का एक दल था, राजपूत लड़ाकों का एक दल था जो अकबर के तरफ से लड़ रहा था। तो दोस्त, कहीं भी किसी भी सूरत हाल में आप इसको हिंदू मुस्लिम और इस तरीके के चीजों में नहीं तोल सकते। वो सब लड़ाइयां दो राजाओं के बीच की लड़ाइयां होती थी। तो जीके के सवाल के रूप में भी याद रख लेना, अकबर का सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया, राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व आशफ खान ने किया, हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जीत किसकी होती है? तो अकबर की होती है। महाराणा प्रताप वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो चर्चा ऐसा आता है
कि आपके अरावली रेंज के पहाड़ियों में फिर सेना का गठन करते हैं, फिर उसके बाद ही मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध को जारी रखते हैं। तो ये चीजें आपका डिस्कशन में आता है, जो कि आपको फर्दर बाद में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहां से आपका मेवाड़ का विजय भी हो जाता है। तो मेवाड़ विजय 1576, ये जरूर याद रखिएगा। अब आता है यहां से कि अकबर का धार्मिक नीति क्या था। तो अकबर का धार्मिक नीति थोड़ा सा सौम्य था। अकबर वो पहला सम्राट था जिसने इस चीज का आभास किया, महसूस किया था कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक समाज में हिंदुओं को बिना साथ लिए हुए लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। तो दीने इलाही है ना, एक प्रकार का धर्म चलाया। और एक और चीज जिससे उसको नाम से सुलहे कुल भी बोला, इत्यादि स्टार्ट करवाया था। तो धार्मिक दृष्टिकोण से अकबर का थोड़ा सा स्थिति जो था वो अलग था। हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, अकबर के रेजाइम को कहा जाता है। जैन धर्मगुरु हरिविजय सूर को जगत गुरु का उपाधि दिया, सुलहे कुल यानी सबको साथ लेकर चलने का प्रथा चलाया, दीने इलाही एक अलग किस्म का धर्म बनाने का प्रयास किया था जिसमें कि आपका सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहां से आपका बात आता है कि बाकी अकबर ने समाज सुधार के लिए बहुत काम किया। आपको बोला जाए दास प्रथा उन्मूलन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, अकबर। अकबर ने खुद को सबसे पहले हरम दल से मुक्त कर लिया था। हरम दल क्या होता है, तो हरम का कल्पना था वहां पे, उस समय हरम का ये था कॉन्सेप्ट, परिकल्पना ये था कि वहां पे औरतें होती थी जो या तो गिफ्टेड, कहीं से गिफ्ट दी गई, वहां औरतों का भी गिफ्ट का आदान प्रदान चलता था, कहीं से जीत के लाया गया या किसी को विवाह रचा के लाया गया, उन सभी औरतों को हरम में इकट्ठे रखा जाता था और उनको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो खुद को हरम दल से स्वतंत्र कर लिया। उसके बाद क्या किया, वास्तव में हरम दल से खुद को स्वतंत्र करने के बाद बहुविवाह समाप्त कर दिया। बहुविवाह समाप्त करने का कोशिश किया। बहुविवाह सिर्फ एक ही कंडीशन में अकबर के रिजाइम में संभव था, अगर आपकी पत्नी बांझ है, बांध्या है। जजिया कर समाप्त किया गया, अकबर ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर शुरुआत में आपको ब्राह्मणों पे किसने लगाया था, अगर आपको याद हो तो, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला फिरोज तुगलक, सबसे सख्ती से जजिया कर वसूलने वाला अलाउद्दीन खिलजी। जजिया कर समाप्त कर दिया गया, हिंदू तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। ये सब अकबर के कुछ अच्छे कार्य हैं, अकबर का कुछ अच्छा कार्य जो मैं आपको नोटिफाई करवा दे रहा हूं वो ये है। फिर आपका फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी ये आगरा से थोड़ा दूर एक जगह है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया फतेहपुर सिकरी का निर्माण, तो अकबर ने। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। कहां करवाया, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में ही एक इबादत खाना का निर्माण कराया। वो इबादत खाना क्या था, सब के लिए खुला था, कोई भी वहां जाके पूजा कर सकता था। तो वास्तव में अकबर ने सर्वधर्म संभाव की नीति को लेकर चलने का प्रयास किया, जिसका कारण यह था कि विविधताओं से भरा हुआ देश की परिकल्पना और उसकी समझ को सबसे पहले अकबर ने स्वीकारा था। तो हरम दल से खुद को मुक्त करना, दास प्रथा का उन्मूलन करना, जजिया कर समाप्त करना, हिंदू तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, इबादत खाना सबके लिए खोल देना, और फतेहपुर सिकरी एक शहर बसाया था उसने, जो आपका बहुत चर्चा में रहा था, है ना। दीने इलाही धर्म का स्थापना आपको बता ही दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको 1576 ईस्वी के बिहार दरोगा का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1576 ईस्वी में ही बिहार और बंगाल पूर्ण रूप से मुगल में मिला लिए गए थे। पूछा जाता है, अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, हल्दी घाटी के साथ साथ ही बिहार बंगाल का भी आपका मुगल वंश में मिलाना हो गया था। तो दीने इलाही सुलहे कुल, सबको साथ लेकर चलने की नीति, जैन धर्मावलंबी हरि विजय सूर को जगत गुरु बोला गया, सूर्य का उपासना, हिंदू धर्म, होली और कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि मनाना, दास प्रथा, हरम दल,
बहुविवाह का समाप्ति, जजिया समाप्ति, हिंदू तीर्थयात्रा कर की समाप्ति, फतेहपुर सिकरी का स्थापना अकबर ने किया, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण, इबादत खाना सबके लिए खोल देना, ये सब अकबर का आपका कुछ बेहतरीन कला था, कुछ बेहतरीन काम था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग का और स्थापना किया था, इस अनुवाद विभाग के हेड रखा था फैजी को। तो ये चर्चा भी आपको जरूर करूंगा आपसे कि हिंदी अनुवाद विभाग और फारसी, हिंदी फारसी अनुवाद विवाद विभाग किसके अध्यक्षता में रखा गया था? फैजी। फैजी कौन थे? तो फैजी का चर्चा आता है, ये आपके दरबारी कवि थे। राज कवि कौन थे पूछा जाए आपसे, तो राज कवि थे फैजी। इनके ही निर्देशन में बदायूनी में रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद? बदायूनी ने। रामायण को बोला गया था रजा नम्मा, यानी जिसको युद्धों की पुस्तक कहते हैं, युद्धों की पुस्तक, ये महाभारत को बोला जाता था युद्धों की पुस्तक। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। किसके निर्देशन में? फैजी, राष्ट्रकवि के निर्देशन में। किसके काल में? अकबर के काल में किया गया था। अकबर का कुछ स्थापत्य कला, तो हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखना अकबर का अलग अलग काम बता रहा हूं आपको। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। तीन किला ध्यान रखना, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर। लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर। और आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर। तीनों इकट्ठे दोस्त याद रख लो, बस एक किला, लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। ये अलग याद करना, बाद में आएगा। लाल किला शाहजहां, बट इलाहाबाद का किला अकबर, लाहौर का किला अकबर, आगरा का किला अकबर। यह स्थापत्य कला का काम है। हुमायूं का मकबरा अकबर बनाया। फिर आपका इसके अंदर आता है जोधाबाई का महल, का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारा फेमस स्थापत्य कला की कलाकृति है। शीश महल जरूर ध्यान रखना, जिसका चर्चा आपका बाद में शाहजहां के टाइम पे भी आएगा। यह सब अकबर के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में किया गया बेहतरीन कार्य है। तो अकबर का स्थापत्य कला का आपको कहानी समझ में आया है ना, बुलंद दरवाजा आपको बता ही दिया था। बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसने बसाया? अकबर ने बसाया। अकबर किस सूफी संत के, जो जिंदा संत थे उस समय, सलीम चिश्ती, कहां था उनका मकबरा? तो वही सिकंदरा में, सिकंदरा में सलीम चिश्ती का उस समय दरगाह था, सॉरी सलीम चिश्ती का दरगाह था, जिनसे अकबर बहुत प्रभावित था। इन्हीं के नाम पे जोधाबाई से उत्पन्न, जोधाबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम, जो बाद में जाके किसके नाम से फेमस हुए? जहांगीर के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। तो यह चर्चा भी आता है। आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, तीनों किसने बनवाया? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा कहां बनवाया गया? दिल्ली में। किसने बनवाया? अकबर ने। जोधाबाई का महल कहां बना था? सिकंदरा के अंदर, दीवाने आम, दीवाने खास, फतेहपुर सिकरी। अकबर का मकबरा कहां बना? अकबर का मौत कब हुआ? 1605। अकबर का रिजायम 1556 से 1605। अकबर का मकबरा कहां बनाया गया? सिकंदरा के अंदर। यह सिकंदरा कहां था? आगरा से 30-35 किलोमीटर दूर। अब आता है अकबर के नौरत्न के बारे में चर्चा, तो जरूर अकबर के नौरत्न के बारे में चर्चा किया जाना चाहिए। तो अकबर के नौरत्नों में चर्चा किस किस का आएगा, तो ध्यान रखना सबसे पहला नाम आएगा अबुल फजल। ये अबुल फजल कौन? जिन्होंने अकबर नामा का रचना किया।
और ये आपका अकबरनामा के रचना करे बना अबुल फजल और सलीम यानी कि उसके पुत्र जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था और खुद को इलाहाबाद का शासक नियुक्त कर लिया गया था। जहांगीर के विद्रोह के वजह से अबुल फजल का मौत हो जाता है, यानी कि यूं कह लें तो सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया था दक्षिण से लौटते समय इलाहाबाद के नजदीक। अबुल फजल याद रखने वाला बात है, नौरत्न में से एक, अकबरनामा का रचना किया था और अकबर के अच्छे दोस्त भी थे अबुल फजल। फिर इसके बाद चर्चा आता है फैजी। फैजी कौन? तो आपके राजकवि। फिर इसके बाद चर्चा आता है आपका तानसेन। तो तानसेन कौन? तो उस समय के आपका, इनको अकबर ने कंठा विलास, यहां पे पूरा नाम कंठाभरण वाणी विलास का संज्ञा दिया गया था। किसने दिया था? अकबर ने नाम। ये उस समय के बहुत बड़े संगीतकार थे, जैसे मियां से जुड़ा हुआ मियां मल्हार, फिर आपका मियां सारंग, और भी कई तरीके का राग है जो इन्हीं का दिया हुआ था। तो ये संगीतज्ञ हो गए। बीरबल सलाहकार जिनका नाम था महेश दास, वास्तविक नाम था महेश दास, अकबर ने इनको नाम दिया था बीरबल। टोडरमल कौन? तो अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व विभाग का हेड, जिन्होंने बाद में टोडरमल बंदोबस्त चलाया और आईने दशाल की पद्धति चलाई। पूछा जाता है आईने दशाल कौन? टोडरमल। टोडरमल कौन? तो जो इनका राजस्व विभाग देखते थे। मानसिंह कौन? तो सेनापति। इसके बाद आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र। ये कौन? बैरम खां का पुत्र, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना। और इसके बाद दो नाम आता है फकीर और मुल्ला दो प्याजा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। इनका ज्यादा इतना चर्चा करने का योग्य कुछ नहीं है। अब आप फटाफट दो चीजें और याद रखोगे जो पूछा जाता है, सीरी कलम और जड़ी कलम। सीरी कलम किसको बोला था? अब्दुस्समद। अब्दुस्समद को सीरी कलम बोला था और हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम। ये भी दोनों साहित्यकार थे। जड़ी कलम किसको बोला था? तो आपका हुसैन कश्मीरी को। यह पूछा जाता है आपसे। इसके बाद आपको सवाल यह पूछा जाता है वास्तव में कि अकबर के किसके समकालीन? तो एलिजाबेथ प्रथम और हिंदी कुल के पुरोधा कुलगुरु, जिनके नाम मात्र से बड़ा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, गोस्वामी तुलसीदास, ये थे अकबर के समकालीन। स्वामी केशवदास, अच्छा इनके रचना लिख दूं तो तुलसीदास को कौन नहीं जानता है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस, मानस ऐसे महान ग्रंथ का रचना करने वाले जो आज भी मानस संपूर्ण समाज को एक सही दिशा निर्देश दे रहा है, तो रामचरितमानस। और केशवदास ने लिखा था आपका रत्नप्रिय, और उनका जो बुक था केशवदास का बेसिकली रसिक प्रिय, रत्नाकर नाम था रसिक प्रिय, ये किताब था। तो केशवदास तुलसीदास के समकालीन, एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे, है ना। और अकबर के दरबार में कौन आया था? एक ब्रिटिश आना शुरू हो गया था दोस्त, तो आपसे पूछा जाता है तो रॉल्स फिंच नाम का यात्री अकबर के दरबार में आया था। और अकबर के जो चतुर और बहुत पढ़े लिखे मित्र थे अबुल फजल, जिन्होंने अमेरिका का खोज का वर्णन अपने किताब में किया था, आराम से याद निकाल सकते हो। अब फौजी है ना, यहां से अबुल फजल फैजी,
अर्ताबिज, यानी कि तानसेन बिरबल, और बाकी मानसेन तो आपको पहले से याद है और लास्ट वाला दो, ऐसे बार बार पूछा नहीं जाता है। तो यहां पे जाकर के आपका अकबर से जुड़ा हुआ बातचीत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। मैं एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर दूं आपको, तो चीजें ये डेवलप होती हैं बेसिकली कि अकबर आया कब, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी के नाम से गद्दी पे बैठा, 14 साल की उम्र में अमरकोट में जन्म हुआ, कालानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ, बैरम खान के संरक्षण में 4 साल तक शासन किया, और पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया। 1576 ईस्वी का जो युद्ध हुआ उसमें अकबर स्वयं संचालन करता था, राणा प्रताप को उसमें हार हुआ हल्दीघाटी के युद्ध में। 1576 में ही बिहार बंगाल को भी मिला लिया जाता है। दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में किया, धर्म के प्रति मत था कि जैन धर्म को भी साथ लेके चला, हिंदू धर्म को भी, सूर्य की उपासना, होली दिवाली का त्यौहार, जन्माष्टमी वगैरह मिलाने का, हदम दल से खुद को मुक्त कर लिया था, दास प्रथा का अंत करना, तीर्थ यात्रा कर जजिया कर का समाप्ति कर देना, और उसके समय में आपका हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया। उन्होंने फैजी राष्ट्रकवि के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग का गठन किया था, बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में किया था, रामायण और महाभारत का अनुमान बदायूनी ने फारसी में किया था, महाभारत को रजनम्मा यानी युद्धों की पुस्तक बोला गया था। ये सब चीजें फटाफट याद रख लेना। तानसेन मनसबदारी प्रथा और सलीम चिश्ती का चर्चा आपसे कर ही चुका हूं। सलीम चिश्ती का दरगाह कहां था, सिकंदरा में। अकबर उनसे बहुत प्रभावित था, इसी वजह से अपने पुत्र जो जोधा वाइस से उत्पन्न हुई थी उनका नाम सलीम चिश्ती रखा था। मोइनुद्दीन चिश्ती अकबर का प्रसिद्ध स्थलों पिलग्रिमेज में से एक रहा था, वो अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में वो अक्सर जाया करता था। अकबर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले आमेर के राजा बिहारी मल, जिनकी ज्येष्ठ पुत्री जोधाबाई से अकबर का शादी हुआ था, वो कछावा राजपूत थे। उसके बाद आपका चर्चा आता है 1564 ईस्वी का, दुर्गावती का, जबलपुर का गढ़ जीतने का चर्चा आता है। फिर उसके बाद आपका यहां से मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया था। आपका यहां पे आईने धचली जो बोला जाता है वो टोडरमल नीति, टोडरमल नीति भी टोडरमल ने लागू किया था, जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे और राजस्व मंत्री थे, है ना। और आपको यह भी याद होगा कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में हारने के बाद मेवाड़ ही एक ऐसा शासक था यहाँ पे जिसने बहुत मजबूत तरीके से अकबर के का प्रतिकार किया था, है ना। अब दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुजारी जो था वो मानने वाला एकमात्र था बीरबल, और प्रमुख पुजारी के रूप में आपके उजे थे, उसने अबुल फजल को बनाया था। दीन इलाही धर्म एक सफल प्रयोग के रूप में साबित हुआ, लेकिन अगर इसमें बोला जाए स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर काम बोला जाए तो हुमायूं का मकबरा बनाया जाना, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद किला किसने बनवाया, अकबर ने, दीवाने खास, दीवाने आम इत्यादि अकबर ने बनाया। और इस प्रकार से अकबर के रजाए में आपको 6 उनके फेमस कौन है सॉरी 9 उनके नवरत्न और प्रमुखता से उनको आप याद रख सकते हो। अकबर का रजाइम को और बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, जिसमें उनके चित्रकारी को लेकर के भी उनके चित्रकार थे, दशवंत नाम का प्रसिद्ध चित्रकार रहे हुए हैं जिनका चर्चा भी आपका आता है। उनके टाइम में चित्रकारी के क्षेत्र में आपका बशावन का नाम आता है, संगीत के क्षेत्र में तानसेन और बैजू बाबरा का नाम आता है। तो आप एक बेहतरीन रीडिंग लगाइएगा। आज का हम लोगों का डिस्कशन जो रहा 1526 से 1530, 1530 से 1540 हुमायूं, फिर 1540 से लेकर के आपका 1545 शेरशाह के बाद फिर से 1555 हुमायूं का वापसी, 1556 से लेके 1605 अकबर का मौत। आप एक छोटा सा चीज देख लेना, बाबर का मकबरा बनाया गया काबुल में, हुमायूं का मकबरा बनाया गया कहां, दिल्ली में, और अकबर का मकबरा कहां बनाया गया, सिकंदरा में। यहां तक का चर्चा हम लोग कर चुके। अब पोस्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब,
इसको पूरा करके कुछ इनका साहित्य और कुछ इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे। दोस्त उम्मीद करते हैं आप सबको बात बेहतर तरीके से हमारी समझ में आई होगी। अब मैं आ जाता हूं आपके कमेंट लेने के लिए। आप लोगों ने जो कमेंट किया है फटाफट उसको नोटिस कर लें और मैं देखूं कि आपका कोई कठिनाई अगर सेशन में रहा तो। जी बिल्कुल कुमार सतेश बृगवंशी जी अब्दुल समद चित्रकार थे, उस समय के फेमस चित्रकार थे और बसावन और दशमंद का नाम भी याद रखेगा जी। जी कुमार सतेश रजबनामा बिल्कुल। धन्यवाद मोहित बिल्कुल। जौनपुर यूपी में है लेकिन सासाराम सर बिहार में है, उस समय यूपी बिहार का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था। डेली लाइव आने का टाइम। अमित पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। कोई किसी भी अन्य प्रकार का सवाल आप लोगों का हो हमारे छोटे भाई तो बताएं। उस युद्ध में सर हाकिम खान सूरी थे महाराणा प्रताप के सेनापति, लेकिन आसिफ खान ने नेतृत्व किया था सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, हाकिम खान सूरी ही थे लेकिन उस युद्ध में आसिफ खान ने नेतृत्व किया था। हाकिम खान सूरी भी थे आपके। आर एस राय साहब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं सर, उम्मीद करते हैं बात आपको हमारी समझ में आई होगी। हो सकता है हमारी कोई त्रुटि हो, इसको चेक कर लेंगे लेकिन मैं कंफर्म हूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुमार सतेश रघुवंशी जी, अब्दुल समद दशावन ये दोनों और आपका चित्रकार थे, दोनों का ही चर्चा आता है जी। हाकिम खान सूरी बिल्कुल थे और आज यहां पे जो नाम आपको बताया था धन्यवाद आर एस राय साहब। जी सर भूमंत्र के माध्यम से जहां तक हमसे बन पड़ रहा है आप लोगों के लिए मैं अपने व्यस्तम शेड्यूल से समय निकाल के कार्यक्रम कर रहा हूं और ठीक अभी मुझे अपने चैनल यूट्यूब से भी जाकर के लाइव कुछ लेना है क्लासेज या मैं कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उस पर भी काम करता हूं अपने बाकी और बच्चों के लिए। ऑफलाइन कोचिंग भी है तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा सर, ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय है। मुख्य उद्देश्य है सर कि हम लोग चाहते हैं कि समाज से अधिक संख्या में लोग निकल के आए और शिक्षा का क्रांति फैलाया जाए बेहतर तरीके से, तो कोशिश करते हैं कि आप सब तक हमारी बात समझ में आ रहा होगा चल रहा होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस लाइव को पहुंचाया जाए और अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आपका कमेंट हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, जितना भी आपका कमेंट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसको शेयर कर दें, बता दें मुझे, हम आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करेंगे। आप एक एक व्यक्ति हमारे लिए आप में से बहुत कीमती बहुत बहुमूल्य है। बट एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा आपसे सर, सभी सीनियर्स का सभी छोटे बड़े भाइयों का, जो कोई भी गलती हो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं अपना बेहतरीन देने का प्रयास करता हूं और व्यस्तम शेड्यूल से जितना भी समय निकाल पाता हूं। आप सबसे निवेदन है कि इस सेशन को अभी भी आगे भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसको संकलित करवाने का प्रयास करूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सिर्फ एक कोई सामान्य इस दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा हूं, आपको करंट का सेशन, आपको पॉलिटी का सेशन, साइंस का सेशन सारा उपलब्ध कराऊंगा दोस्त। बस इस हौसला के साथ इस जज्बा के साथ लगे रहना कि नहीं कुछ करना है। दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है, ये कुछ करने का ठान लो यार, मेहनत करने का ठान लो। दिन बदलता है, जिंदगी बदलती है, सब कुछ बदलता है, वैसे ही समाज बदलेगा दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शिक्षा का अलग जगाएं। जय हिंद जय हो।
कल की लाइव का सूचना, मैं मोबाइल क्लोज कर दिया था, कल की लाइव आपको 8 बजे ही कल से लाइव होंगे। तो सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि और अधिक से अधिक बड़ी संख्या में कल 8 बजे, जैसे क्लास का इंतजार करते हो ना दोस्त, उसी तरीके से बिल्कुल 8 बजे इंतजार करना। और कल का एजेंडा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और थोड़ा सा, अच्छा बता रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? चलो देखते हैं, हम छोड़ो यार, बोल दिए था। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।